how to motivate other people. You're working, our job is to motivate the people. So, okay, we'll stay motivated, but how to motivate other people? So, what is management? Is nothing more than motivating other people to do what you want them to do. That's management. Zig Ziglar, hey, famous American motivator, author, speaker, more than 70 books he has written. He is also my role model and my mentor like thing. He says, you can have everything you want in your life if you help just enough of other people get what they want to get. You can have everything you want in your life. आपको जिंदगी में जो भी चाहते हैं आपको मिल जाएगा ये कुछ ही लोगों को जो वो चाहते हैं वो दिलवाएंगे तो. You don't have to help the whole world, पूरी दुनिया को मत करने की जरूरत नहीं, पूरी देश को करने की जरूरत नहीं है. जो चाहते हैं आपको जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा, provided you help a few people. A few people you are associated with get what they want to get. घर में बीबी बच्चों, ऑफिस में बॉस सबॉर्डिनेट्स और ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था, एंड ऑल्सो अदर पीपल. बस यू अंडरस्टैंड वॉट दिस पीपल वॉन्ट एंड हेल्प देम गेट वॉट दे वॉन्ट टू गेट. काम खत्म. जो आप चाहते हैं आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. हाउ टू मोटिवेट द पीपल, हाउ टू मोटिवेट द पीपल, मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूं. सो वॉट इज दिस, इन ऑर्डर टू बी एबल टू मोटिवेट अदर पीपल वॉट शुड यू बी? यू शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड. फले खुद ही मोटिवेटेड नहीं है, क्या दूसरों को मोटिवेशन दे सकते हैं? नहीं. सो फर्स्ट थिंग टू बी एबल टू मोटिवेट अदर पीपल, यू शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड. शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड. लुक एट दिस गाय हनीबी, हू टेल्स हिम, मैन गेट अप इन द मॉर्निंग, गो 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 एंड गेट द हनी. अर्ली बर्ड फिचेस द प्रे, गो, कम बैक, गो, कम बैक, गो. एनीबडी टेल्स हिम? हू वेक्स हिम अप? हू वेक्स हिम? हू मोटिवेट्स हिम? हू इंस्पायर्स हिम? कम ऑन, यू गो देयर, यू विल गेट मकरंद मिल जाएगा तुमको, जाओ जाओ बोल के कोई बोलते हैं इनको? नो वन टेल्स. It's not motivated by anybody. It's not driven by anybody. It's driven by its own desire. It's a self-motivated. कितने सुंदर चीज है, कितनी सुंदर बात है. Self-motivated. Self-motivation is the best motivation. कोई आएगा, कोई बोलेगा, कोई करेगा, कोई motivate करेगा, बोलेगा तो आजकल everybody is busy. अरे इतना अच्छा किया यार, मीटिंग में इतना भाग लिया हमने, इतना मेहनत किया, दिन रात काम किया, वी वर्कड हार्ड डे एंड नाइट, बट देन बॉस मीटिंग खत्म हो गए, चुप हो गए, कुछ भी नहीं बोला. उनको क्या जाता, अच्छा काम किया बोलेगा तो कुछ जाता है? वो भी नहीं बोला. हम कुछ प्रमोशन मांगे, इंसेंटिव मांगे, पैसा मांगे, गुड जॉब डन. यू आर थिंकिंग लाइक दिस. यू नो व्हाट इज योर बॉस थिंकिंग? Same thing, he's also thinking at his boss. Wo bhi inka. Everybody is busy. Don't wait for somebody. Jab aapne kuch achha kaam kiya, good job man, you have done a good job. Khud ko bol dijiye, koi rukega kya? Tell yourself. You know very well, you have done a good job. Yes. Then, First thing is, stay motivated. First, you be self-motivated so that you can motivate others. By being in distress, you can't motivate others. Second thing, what is this? Be enthusiastic. Enthu, jazba. Be enthusiastic. Enthusiasm is contagious. Malaria jaisa, healthy hai. If you are enthusiastic, आपकी टीम की जो सदस्य हैं, दे विल ऑल्सो बी एंथुजियास्टिक. इट स्प्रेड्स. सो एंथुजियाज्म दिखाइए जो ऑफिस में जाने के बाद, द मॉर्निंग गेट अप एंड देन स्प्रेड द एंथुजियाज्म. एंड देन व्हाट इज दिस, क्या करना चाहिए हमको? गिव अ स्माइल. ऑफिस में जाते हैं, गुड मॉर्निंग बोलो ना, पहले तुम बोलो बाद में मैं बोलूंगा. गुड मॉर्निंग.
नहीं, हम ऐसे सोचते हैं किसी के दूसरे को वो गुड मॉर्निंग बोलेगा तो बाद में मैं बोलूंगा, मुझे क्यों पहले बोलना चाहिए? हाँ गुड मॉर्निंग स्माइल करना है, क्यों स्माइल करेगा तो ये बंदा मेरे ऊपर बैठ के बैठेगा, स्ट्रिक्ट दिखना चाहिए, स्ट्रिक्ट। देयर वाज अ गाय ही वर्क्स इन a plant and that plant has a cold storage, sub-zero temperatures, NBPG jaisa, below sub-zero temperature, germ plasm storage, and the minus 5, minus 10, minus 20, minus 20 isme gaya, kaam mein itne lag gaya unhone, samay ke bhul gaya, shaam ho gaya, office band ho gaya, shutter is closed, everybody left the office, if this guy remained inside that, he would be dead by the next morning. तो डर लगा उनको, क्या करना चाहिए, अभी सेल फोन भी नहीं है वहां पे, सब छोड़ के। तब सडनली ही हर्ड सम वॉइस सडनली, somebody वॉज लिफ्टिंग द डोर, somebody वॉज लिफ्टिंग द shutter, सो somebody केम एंड ओपन द डोर, सिक्योरिटी गार्ड आके खोला, अरे बचाया तुमने, तुमने मुझे बचाया, बट तुमको ये कैसे मालूम है? तो मैं अंदर फंस गया, हाउ डू यू नो दैट आई गॉट ट्रैप्ड इनसाइड दिस? सर एवरी डे हमारा ऑफिस में इतने सारे लोग काम करते हैं, सो मेनी पीपल कम एंड वर्क, मैं सिक्योरिटी गार्ड के गेट के पास रहता हूं, सुबह आने के समय पे यू से गुड मॉर्निंग टू मी एंड शाम को जाने के पहले गुड बाय बाय बोलते हैं आप, आज सुबह गुड मॉर्निंग यू सेड गुड मॉर्निंग इन द मॉर्निंग एंड यू डिड नॉट से गुड बाय सोफा, यू डिड नॉट से गुड बाय सोफा, तो कहां गए साहब, तो गलती से अंदर फंस गए होगा, ही माइट हैव बीन इनसाइड, सो लेट मी गो एंड चेक, इसलिए मैंने चेक करने के लिए आया। I was conducting a training program for Nagarjuna Fertilizers and Chemicals in an institute called Vamnicom in Pune. I have a habit of going for a morning walk. I went up the hill and I was coming down, so it's like a slopey place. My dusre dekha to, there was a beautiful lady coming in the opposite direction. That lady was also walking briskly. And I was walking and also looking from distance. Oh, this lady is walking and walking. And suddenly when I came across her, that lady gave me a beautiful smile. Smiling, I also smiled back because she smiled at me. Oh, and I smiled back at her. Oh my God, she went away. She went that side, I went this side. But that smile was a glittering smile, you know. Beautiful lady, glittering smile. I was thinking of that smile when I went to the room, I had my bath, I went to the training class, I was taking the class, still I was remembering that lady. I shared with the people about that day, first session, I started with SQ, like IQ, EQ, SQ. SQ is what? Smiling quotient, smiling. Even now I am sharing with you that lady. Even now I am remembering that day she was wearing a white suit and all these treasures. Not only white suit and all, even her entire hair was grey. 70-year-old lady, perfect health, she's walking, entire grey silvery hair, and that lady gave me a smile, and that smile made my day. That smile made my day. Even today I remember that smile. यहाँ पे कोई रास्ते में तो smile करने तो डरते हैं हम, smile करने के लिए डरते हैं, जो जान पहचाने वाले को देख के हम स्माइल नहीं करते हैं, इफ यू डोंट नो द गाय यू डोंट स्माइल एट हिम, नो स्पेशली इफ द अदर पर्सन इज ऑफ ऑपोजिट सेक्स यू कांट स्माइल एट हर, यू कांट स्माइल, बट इफ यू गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सम ऑफ दिस कंट्रीज, सपोज यू वॉक्ड इनटू अ लिफ्ट एलिवेटर एंड यू आर देयर, देयर वाज ऑलरेडी लेडी, हेलो हाय हाउ आर यू, बोलते हैं बट हम यहां बोलने के लिए डरते हैं, इट्स वन पर्सन हु कैन थिंक ऑफ मी, हु कैन कैन एंड से थैंक यू, से थैंक यू, थैंक यू, दो शब्द है, थैंक यू, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, थैंक यू बोलने में जो लेने वाले से भी बोलने वाले का ज्यादा फायदा है, द गाय हु टेल्स थैंक यू गेट्स मोर बेनिफिट द गाय हु रिसीव्स थैंक यू, इज नॉट द गाय हु रिसीव्स थैंक यू मेंशन नॉट,
thank you so much. That means I am benefited. I am feeling very happy. Thank you. When you saying thank you, I am enjoying a feeling of gratitude, a feeling of getting benefited, a feeling of something that I got from you. Thank you, sir. Thank you. कितने benefit हैं thank you बोलने में? कितने अच्छी बात है thank you. आप शाम को काम से घर गए हैं, बीबी अंदर से ग्लास पानी लेके आपको दिया, आप क्या बोलेंगे? ठीक है थैंक यू डिया, सो नाइस, थैंक यू डिया बोलेंगे? बीबी को भी थैंक यू बोलना है क्या? बीबी को भी थैंक यू बोलना है क्या? आप आगे सीट पे बैठे हैं, आपके जो ऑफिस बॉय है वो पानी का ग्लास आके भर के टेबल पे रखा। इसका काम है ना? इसका काम है ना, करो ना। अच्छा पानी लाया क्या? फिल्टर पानी ग्लास धोया क्या? थैंक यू बोलने में कुछ जाता है? थैंक यू हाँ वही सोचते हैं हम। बताइए, कोई किसी की मौत हुआ, कोई किसी की बीमारी लग गया, क्या हाम है? प्यार करने से किसी को बीमारी लग गया, प्यार के बीमारी देहांत हुआ, कुछ नहीं हुआ ना? थैंक यू wherever it is possible, somebody opened the door, आप कुर्सी लगाया, थैंक यू बोलिए अभी तक ग्लास पानी लाए थैंक यू बोला तो बाद में कुछ नमकीन चाय भी मिलने की संभावना है। ये बोले थैंक यू भी नहीं बोला तो कुछ मुंह से कुछ निकलता है क्या? थैंक यू बोले के लिए कंजूस बन गए इन्होंने। मैं कुछ हार, सोने की हार मांगा क्या? थैंक यू नहीं बोलते? गर्मा गर्म रोटी खिलाए थैंक यू? कितने मेहनत है, मैं इतना मेहनत करके आ रहा हूं, तुम घर का काम करने, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम कर रही हो। नहीं भैया, थैंक यू, भगवान को भी थैंक यू बोलेंगे हर रोज, थैंक यू सुबह एक बार बोलेंगे, थैंक यू भगवान हमको ऐसा अच्छे संस्था में अच्छे दोस्तों के साथ काम करने की मौका दिया, थैंक यू वेरी मच, गो बैक टू वर्क, लास्ट थिंग बिफोर यू स्लीप, फाइनली और एक बार भगवान को थैंक यू, आई हैड अ ग्रेट डे, गुड डे, सेफली केम बैक होम, यू गेव मी अ नाइस डे, थैंक यू गॉड, क्योंकि भगवान को जो भी थैंक यू बोलते हैं वो आदमी को भगवान आने वाले दिनों में और थैंक यू ज्यादा बोलने के लिए मौका देते हैं। बोलो यार, कुछ नहीं, थैंक यू, गुड जॉब, यू कॉम्प्लीमेंट्स, गुड जॉब, ग्रेट जॉब, यू लुक गुड, हे तुम्हारा शर्ट, गुड शर्ट मैन, यू लुकिंग स्मार्ट, जो गले में डाला ना, यू लुक रियली स्मार्ट, यस, गिव कॉम्प्लीमेंट्स, जो जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स जब भी मौका मिले तो लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज टू गिव कॉम्प्लीमेंट्स टू योर कलीग्स, बॉस को भी बोलिए कभी कभी कॉम्प्लीमेंट्स, बॉस को भी बोल सकते हैं, नॉट ओनली सबॉर्डिनेट, बॉस को भी कभी कभी कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हैं, यू कैन गिव कॉम्प्लीमेंट्स टू योर बॉस, सर योर ड्रेस इज वेरी गुड सर टुडे, यस, चैलेंजेस अहेड, चैलेंजेस जिंदगी में, लाइफ में, इनके लिए पीछे कुछ एजेंडा है, यस, चैलेंजेस अहेड, यस, नेगेटिव बॉस, लेडी बॉस, ओके, श्योर, much better, they are more, they are more understanding, and very good, yeah, you see, sometimes, of course, you know, it depends on the, you have to see, you are working with a person, then accordingly you have to use the words, and then the language, the tone, the voice, the time, and other things, jabbi, because whenever you want to give a compliment, you can give compliment, you know, to your colleagues or anyone in public, but if you have to reprimand, थोड़ा कुछ इनको बोलना चाहिए, दैट यू विल नॉट डू इन पब्लिक, यू विल डू इट इन प्राइवेट, कुछ अच्छा बोलना है सभी के सामने बोलेंगे, इफ यू वॉन्ट टू रिप्रमैंड वेरी बैड, दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू, वी डोंट डू इट इन पब्लिक, वी डू इट इन प्राइवेट, यू कॉल हिम टू योर चैम्बर, कॉल हिम टू चेयर, देखो भाई तुमने ऐसे किया, इट्स नॉट गुड, ये सबके सामने उनकी, सबके सामने धो लिया उनको, क्या हुआ, पीपल विल नॉट रिमेंबर what you said, they'll forget what you said, they'll forget what you did, but they will not forget how you made them feel. ab jo bole wo bhul jayenge, ab jo kiya bhul jayenge, ab jo unko jo feelings dilaya aapne, because people have feelings,
वो बहुत दिन तक याद रखेंगे. सो इट्स इम्पॉर्टेंट यू मेक देम फील गुड. बट कुछ बॉस ने मुझे उनके कमरे को बुला के कुछ बताया, अच्छा बताया, मेरे भलाई के लिए बताया बोल के समझेगा, क्योंकि पति जी ने कुछ बोला इसलिए उनकी कोई चिंता नहीं है, वो दूसरे के सामने बोला इसलिए शिकायत है. शी हैज नो वरीज इफ यू टेल हर इन प्राइवेट. इफ यू टेल हर इन फ्रंट ऑफ योर मदर, इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन, इन फ्रंट ऑफ योर नाइबर्स, देन शी हैज अ सीरियस प्रॉब्लम. सेम थिंग, यस और नो? सेम थिंग. If you have to give genuine compliments, give compliments in public, but reprimand in private. So how to motivate people? Challenges, innovation, flexibility. Yes, they should be recognition dena chahiye, environment create karna chahiye, training pe bhejna chahiye, jaise you have been sent here. This is some kind of motivation to you. 10 din ke liye jaiye, use it into motivation. And sometimes some people get motivated when you give them challenges. Give them challenge, he'll be motivated. Yaar ye bahut mushkil kaam hai, tum kar sakte ho, you can do it. बॉस आ रहे हैं, डीजे साहब आ रहे हैं, यू गो अहेड एंड डू इट, द गाय विल गेट इंस्पायर्ड. सामने मुझे बुलाया, यू गिव मी चैलेंज. सम पीपल एंड यू नो दिस आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स हाउ टू मोटिवेट पीपल. दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी सेड, व्हेन यू आर प्रेजिंग, प्रेज इन पब्लिक, रिप्रमेंड इन प्राइवेट, एंड फाइनली विन 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 विन. जब गेम खेला गया तो देयर विल बी अ विनर एंड देयर विल बी अ लूजर. इज इट नेसेसरी ऑलवेज? Is it always somebody wins, somebody has to lose? No. Somebody, sometimes it's also possible, you can, both the people can win. Sometimes it is possible, both the people can win. And that situation, we call it a win-win. We call it a win-win. Is it possible? It's possible. It's possible. How? How? You have a farmer. You are offering a scheme and the farmer accepts the scheme, and as per Government of India you have given the farm the scheme and he has accepted the scheme. By using that scheme the farmer gets benefited. By giving that offer you have done your responsibility. You are a winner and also the farmer is also a winner. Both are winners, is it not? You have made the farmer get the benefit of that scheme and the farmer becomes a winner, and by giving him that benefit you also become a winner. So in life there are three types of people: losers, winners and double winners. And to be able to succeed more and in a sustainable manner, you cannot just be a winner, you have to become a double winner. You have to become a double winner. So what do losers say? Losers say, ye to hone wala nahi hai, there is no way I can win, ye to hone wala nahi hai. That is what the losers say, losers mindset, ye hone wala nahi hai, hoga nahi. बोल के पहले ही, करने के पहले ही ये हार गया. ही लूजेस इवन बिफोर ही प्लेस. विनर्स व्हाट डू दे डू? द विनर्स माइंडसेट क्या होता है? आई कैन विन, आई विल विन, बाय ऑल मींस आई विल विन. डबल विनर्स व्हाट डू दे से? उनका माइंडसेट क्या होगा? डबल विनर्स का माइंडसेट क्या होगा? वी कैन विन, जितना ही है वो तो विनर्स. विनर्स या स्लाइटली क्लोज अप. डबल विनर्स से इफ यू विन आई विन टू. योर विक्ट्री इज माई विक्ट्री. आपकी जीत मेरी जीत. दैट्स व्हाट देयर माइंडसेट. हाउ कैन आई मेक माई बॉस विन? हाउ कैन आई मेक माई सबॉर्डिनेट्स विन? यू आर आर्ग्यूइंग विथ योर वाइफ. द आर्ग्यूमेंट इज गोइंग ऑन बिटवीन यू एंड योर वाइफ. Suppose you win and your wife loses, is it your victory? No. Suppose your wife wins and you lose, is it a victory? Yes. 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 He is a wise man. Absolutely. If he wins, it is like winning the war and losing the battle. But if he wins, it is your victory too. शान से अब आप ही जा सकते हैं. Absolutely. Smart way. You win, I win too. So what are those people whose victory? If my child becomes 90.9% 98% 9.8 grade out of 10, it's my victory. If my child wins, it's my victory. If my wife wins, it's my victory. If my boss wins, if my organization wins, it's my victory. If my subordinates,
If my subordinate gets a promotion, it's my victory. Because his victory is my victory. His promotion is my promotion. If my subordinates get promoted to my level, मेरे ऑर्गेनाइजेशन मुझे यहां क्या करेगा, यहां से और भेजना पड़ेगा, पूछने के लिए जरूरत नहीं है. यू विल ऑटोमेटिकली गेट प्रमोटेड. सो विन विन सिचुएशन. अब दिस ब्यूटीफुल लेडी, इज शी ब्यूटीफुल? इज शी ब्यूटीफुल? नहीं, नो नो, बिकॉज ऑफ 50% फेस विजिबल, फुल फेस इज नॉट विजिबल, दैट्स व्हाई. हाउ इज शी ब्यूटीफुल? बट हाउ अबाउट दिस लेडी? मोर ब्यूटीफुल. She is more beautiful because 100% face is available. That's not, is visible. That's why. No, she is more beautiful because you can see what thoughts are going on in her mind. What are the thoughts going on in her mind? Your face is a reflection of what's going on in your mind. Your face reflects. आपको बोलने की जरूरत नहीं है. Your face reflects what's going on in your mind, and you attract whatever you feel. You attract whatever you thought. There's a book called The Secret. अभी ये हिंदी में भी आ गया, The Secret by The Secret, हिंदी में रहस्य. In Tamil it is there, in Telugu it is there, in Kannada and different languages it has come. It is originally written in English, The Secret, written by Rhonda Byrne, R-H-O-N-D-A, Rhonda Byrne, B-Y-R-N-E. Rhonda Byrne, Australian lady, she first made a movie on this secret of successful people kya hai, and that movie became a big secret. Then she thought, why not I write a book, because movie cannot be seen by all the people. Then she wrote the book. Now book is translated in more than 20 languages. It's a wonderful book. In that book she talks about this thing called law of attraction, that she says every person is a biological magnet. You are a magnet, you attract everything. Whatever your position today is in terms of health, wealth, status, network, relationship, yes, abhi, sambandh, bandh, have you, everything, you have attracted yourself into your life like a biological magnet. And what is your magnetic force? Your magnetic field? Your thoughts. Your thoughts are your magnetic force. It is by virtue of your thoughts you attract. And whatever you think, you are right. Whatever you think, you are right. If you think you are going to get the promotion, you are right. If you think you are not going to get the promotion, you are right. You are right all the time. You are the master of your thoughts. I may speak for 3 hours here, but it is you who will be choosing what to think, and you are thinking. The choice, you are the master of your thoughts. You only have control on your thoughts and no one else. So it's your choice, my friends. Yes, somebody asked me, what is this? WIIFM. So, क्या होता है? हाँ? What is in it for me? What is in it for me? इसमें मेरे लिए क्या है? बताओ. जो भी काम करने के पहले we think about, if I do this work, what is in it for me? सोचेंगे नहीं सोचेंगे? मेरे को क्या फायदा, बताओ यार वाले. बोलेंगे नहीं, बट अंदर तो सोचेंगे, तो ये तो करेंगे नहीं, तो अरे बहाना कुछ बोलेंगे नहीं करेंगे. सो यू नो इट्स अ कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी, बिफोर डूइंग एनीथिंग, इफ आई डू इट, व्हाट इज इट फॉर मी, इज इट नॉट? डोंट यू थिंक एवरी टाइम बिफोर डूइंग समथिंग, if I do it, what is in it for me? If there's something, I'll do otherwise? No. If you are like that, don't you think your supervisor also will be thinking, if I do it, what is in it for me? Don't you think your subordinates also will be thinking that, what is in it for me? So if that is the case, I want to ask you a question. Stop thinking about what is in it for me, because you know. You don't have to think about what is in it for me every time. If I do my work, if I complete the project, if I complete the project, if I perform very well and all this, what do I get? That उसके बारे में हर बार सोचने की कोई जरूरत नहीं है. वो सोचना बंद करके, when you are dealing with the people, now start looking at from their angle. इनकी दिमाग में अभी क्या चल रहा है, इसमें मेरे लिए बोल के वो किसके लिए देख रहा है, what is that he is looking for as what is in it for me, and then try to understand and try to show it. Try to show them what they are looking for in the transaction so that you can win them.
सो हमारे बारे में नहीं सोचेंगे, अभी हम सोचेंगे दूसरों की तरह, दूसरों के एंगल में, अभी इनके दिमाग में मेरे लिए क्या है बोल के, ये किसके लिए, अभी ये लीव के लिए मांग रहा है, अभी इनको लीव में भेजेंगे, लीव अप्रूव करना नहीं करना, लीव अप्रूव करूंगा तो काम क्या करेगा, अभी काम नहीं तो बाद में होगा, इनके दिमाग में तो होता है ना, आपके बात सोचेगा नहीं सोचेगा, अरे यार ये क्या सोच रहा है अभी इनके दिमाग में क्या सोच, मेरे लीव टू इन ऑर्डर टू अप्रूव माई लीव व्हाट माई बॉस माइट बी थिंकिंग, हाँ दिस इज व्हाट ही वांट्स एंड अकॉर्डिंगली यू शो इट अप्रूव्ड, सपोज यू गो टू हिम विद अ प्रोजेक्ट with approval for buying an equipment, with approval for some budget, then try to show him that budget, what is that he wants to get, and you will